Assalamu alaikum dear ones, hope you all are good and having fun with Photoshop. So welcome to QT and today's topic is how to apply pattern to plain clothing and I will keep my topic in Urdu ताकि आप लोगों को सारा पॉइंट आराम से समझ आ जाए. आपने अब क्या करना है, बेसिकली आपने अपने मेन इमेज को जो है वो ड्रैग करना है फोटोशॉप के अंदर. फोटोशॉप में ड्रैग करने के बाद आप उसको एडजस्ट कर लेंगे और उसको रीनेम कर देंगे. मैं यहाँ पे रीनेम कर रही हूँ ओरिजिनल इमेज के नाम से. उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसकी कॉपी ले लूँगी, कंट्रोल प्लस जे से मैं उसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लूँगी और मैं नीचे वाली जो दो लेयर्स हैं उन्हें क्लोज कर दूँगी. फिर मैं जाऊँगी एडजस्टमेंट लेयर में, वहाँ से ब्लैक एंड वाइट की ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूँगी और पहले मैं डार्कर टोन्स को सिलेक्ट करूँगी. मेरे पास एक डार्कर आ गया, सेम यही प्रोसेस मैं दोबारा करने वाली हूँ. ब्लैक एंड वाइट में जाऊँगी और लाइटर टोन्स को मैं सिलेक्ट कर लूँगी. उसके बाद मैं इन दोनों लेयर्स को जो है ग्रुप कर दूंगी और ग्रुप करने के बाद मैं फाइल पे जा रही हूँ और सेव एज कर रही हूँ इसको डिस्प्लेसमेंट के नाम से, ताकि इस फाइल को मैं बाद में डिस्प्लेसमेंट के तौर पे यूज़ कर सकूँ. ठीक है, और आपने इसकी टाइप जो है वो PSD रखनी है. सेव कर रही हूँ मैं. फिर आपने ग्रुप को मैं डिलीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस वक्त यहाँ पर ज़रूरत इसकी नहीं है. फिर आपने कॉपी इमेज को दोबारा से क्लिक करना है और आपने क्विक सिलेक्शन टूल लेके इसकी सिलेक्शन बना लेनी है, विच इज़ सो ईजी, जस्ट इन अ सिंगल क्लिक आप ये काम कर सकते हैं. ये थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा कम सिलेक्ट था तो मैंने इसको प्लस का साइन लेकर इसको ऐड कर लिया है अपनी सिलेक्शन के अंदर. अब आगे बढ़ रही हूँ और इसको थोड़ा सा जूम किया हुआ था इसलिए दोबारा इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर सेट करने के बाद मैं इसका लेने लगी हूँ लेयर मास्क. लेयर मास्क क्यों लिया है, लेयर मास्क लेने का एक मकसद तो ये होता है कि अगर तो कोई आप में के सिलेक्शन में कोई गलती हो जाएगी तो दोबारा से उसको ठीक किया जा सकता है. अब मैंने क्या किया है, पैटर्न को ड्रैग किया है स्क्रीन के ऊपर और इसकी ओपेसिटी कम करके देख रही हूँ कि जो मेरा स्कार्फ है उसके ऊपर ये पैटर्न कम्प्लीटली आ जाएगा या नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं इसको सेट कर रही हूँ दोबारा से. उसको क्लिप कर दिया है मैंने, ऑल्ट का बटन प्रेस किया है और जब मेरे पास नीचे वाला एरो का साइन आता है तो मैंने क्लिक किया है तो उस पर वो पैटर्न अप्लाई हो गया, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा. सो मैं क्या करने लगी हूँ, इसको चेंज कर दूँगी. मैजिक वॉन्ड टूल लूँगी और ब्लैक एरिया को सारा सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं ले लूँगी ब्रश. ब्रश का कलर मैंने रखना है वाइट और वाइट कलर के साथ मैं पेंट कर दूंगी ब्लैक एरिया को क्योंकि वो मैंने सिलेक्शन में ले लिया हुआ था. व्हाट नेक्स्ट, अब दोबारा से यही करने लगी हूँ मैं. थोड़ा सा ये एरिया रह गया था, इसको भी क्लियर कर लेते हैं जल्दी से. और फिर ये देखिए, अब मैं इसको दोबारा से करने लगी हूँ क्लिप. ठीक है, ऑल्ट का बटन प्रेस करूँगी और रीनेम करते हुए मैं अपनी लेयर को क्लिपिंग के नाम से, ऑल्ट का बटन प्रेस किया और क्लिक किया तो क्लिपिंग हो गई. अब जो क्लिपिंग हुई है उसमें स्काफ का कलर वाइट है लेकिन ये बहुत ही रफ है, नीट नहीं है. तो क्या करते हैं, फिल्टर में जाके लिक्विफाई टूल को मैंने लिया है और इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो मेरा शो इमेज है वो भी चेक होना चाहिए और शो जो मास्क है वो भी चेक होना चाहिए और जो शो हमारा बैकड्रॉप है वो भी होना चाहिए चेक. लेकिन ऑल लेयर्स की जगह हम क्या सिलेक्ट करने वाले हैं, जिस लेयर पर हम काम कर रहे थे, कॉपी के ऊपर हम काम कर रहे थे. सो मैंने ओरिजिनल इमेज कॉपी को सिलेक्ट किया है और ओपेसिटी मैंने 27 रखी है. ठीक हो गया. अब मैं करने क्या वाली हूँ, जहाँ जहाँ मेरे स्कार्फ में क्रीज आ रही थी या जहाँ से ये स्कार्फ जो है वो फोल्ड हो रहा था वहाँ पे मैं फ्रीजिंग पॉइंट्स लगाने लगी हूँ. फ्रीज टूल को लेके, फ्रीज मास्क टूल को लेके जहाँ जहाँ स्कार्फ उभरा हुआ था ना, जहाँ से मंदिर फोल्ड करते हैं वहाँ पे मैंने आके क्या कर दिया, उस पॉइंट्स को फ्रीज कर दिया. क्यों किया ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी. फ्रीज करने का मकसद ये है कि जब भी मैं इसके ऊपर कोई भी ब्रश अप्लाई करूँ या कोई भी एडिटिंग करूँगी तो ये वाले पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, इसके ऊपर जो प्रिंट है वो अपनी ही जगह पे रहेगा. ये देखिए, थोड़ा सा नीचे से स्कार्फ के नीचे से भी यहाँ पर लाइन्स आ रही हैं, क्रीजेज आ रही हैं, मैं उनको भी फ्रीज कर रही हूँ ताकि यहाँ पे जो प्रिंट है ना, डिजिटल प्रिंट के जो भी मैंने इसके ऊपर पैटर्न रखा हुआ है वो वहाँ से नहीं हिलेगा. इसके बाद मैं क्या करने लगी हूँ, फॉरवर्ड रैप टूल को लूँगी. जब भी हम स्कार्फ फोल्ड करते हैं तो क्या होता है,
वो जो हमारा पैटर्न होता है वो अंदर की तरफ जाता है, इसलिए मैंने जो रैप फ्लावर ट्रैप टूल लिया है उससे मैं अंदर की तरफ इसको मूव कर रही हूँ, ताकि पता लगे कि वो जो हमारा इमेज है वो अंदर की तरफ मूव हो रहा है। थोड़ा सा उसको लाइट सा क्लिक करके अंदर को ड्रैग कर रही हूँ ताकि पता चले कि वो चीज़ें स्कार्फ के अंदर सिलवट के अंदर जा रही हैं। सो क्रीजेस शुड बी क्लियर। अभी ये थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रही थी। थोड़ा सा डाउनवर्ड ड्रैग कर रही हूँ, सारे इमेज के साथ यही करूँगी और थोड़ा सा टाइम दें ताकि मैं इसको जल्दी से एडजस्ट कर लूँ। आप भी मेरे साथ ही कर लें और जो नीचे से है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर ऊपर की तरफ लेके आ रही हूँ ताकि पता लगे कि एक कर्व पड़ रही है हमारे स्कार्फ के अंदर। ठीक हो गया, एक क्रीज आ रही है, एक टर्न आ रहा है जो कि हमेशा क्लियर होना चाहिए। जब स्कार्फ लेते हैं तो बिल्कुल सीधा छापा तो नहीं होता ना, उसके अंदर लाइंस होती हैं, क्रीजेस होती हैं जो कि हमें क्लियर करनी होती हैं। जब हम किसी और पैटर्न को अप्लाई करेंगे तो इस चीज़ का और भी ख्याल रखेंगे। ओके का बटन प्रेस किया, ये देखिए आपको थोड़ी सी क्रीजेस प्रोमिनेंट होने लग गई हैं। अब आपने क्या करना है, ओरिजिनल इमेज के ऊपर जाना है और उसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, और ड्रैग करने के बाद आपने उसके ऊपर लगा देना है मल्टीप्ले ब्लेंडिंग मोड। मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो वो देखें जो क्रीजेस मैंने सेट की थी वो उसके साथ ब्लेंड होके कितना खूबसूरत जो है उसने स्कार्फ का लुक दिया। अब आपने क्या कर रही हूँ, दोबारा से फिल्टर में गई हूँ, फिल्टर से डिस्प्लेसमेंट में, फिल्टर डिस्टॉर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया। और इसको मैंने वो जो फाइल मैंने सबसे पहले सेव की थी उसको ओपन करी, उससे क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट आना शुरू हो गई है। चले जी, अब ये काम कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी इसको और नीट करते हैं। डोज टूल ले रही हूँ, डोज टूल क्या करता है, हाइलाइट्स को प्रोमिनेंट करता है। तो ये डोज टूल से लेके जहाँ जहाँ स्कार्फ अंदर को फोल्ड हो रहा था वहाँ मैंने डोज टूल अप्लाई किया है, उसकी जो हाइलाइट्स हैं उसको बहुत ही प्रोमिनेंट कर दिया है मैंने। यहाँ पे भी जहाँ पे सेकंड थर्ड मेरा प्रोमिनेंट पॉइंट होगा हाईलाइट जहाँ मैं कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि प्रोमिनेंट करने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं उसको डोज टूल के साथ डोज कर रही हूँ। स्कार्फ के नीचे भी कहीं ना कहीं ये मार्जिन है, तो चलें इसको भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। नीचे वाली साइड पे जा रही हूँ और इस तमाम जो पॉइंट्स हैं इनको क्लियर कर रही हूँ। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे कुछ डार्कर टोन्स भी हैं जिसके लिए मैं यूज़ करने लगी हूँ बर्न टूल। बर्न टूल जो है वो डार्कर एरियाज़ के लिए है, जहाँ जहाँ क्रीज अंदर जाएगी ऑब्वियस सी बात है वहाँ वहाँ थोड़ा सा डार्क एरिया हमारा शो होगा। इसी तरह अब जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट्स की थी ना उसके इर्द गिर्द ऑलमोस्ट जो है वो मैं डार्कर टोन्स को अप्लाई कर रही हूँ, वहाँ से मैं बर्न कर रही हूँ उसका। आपने जहाँ बड़ी सी सिल्वेट ली है वहाँ मैंने भी वहाँ से मैंने बर्न कर दिया। इस तरह मैंने सारे इमेज को जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि यहाँ थोड़ा सा शेडो या डार्क टोन की ज़रूरत है वहाँ से मैंने उसको बर्न कर दिया। बर्न की मदद से मैंने ऑलमोस्ट ये कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ एक काम रह गया जो मैं सबसे स्टार्टिंग में करना चाह रही थी लेकिन मैं भूल गई हूँ, और वो है क्रोपिंग। तो क्रोप टूल लेने लगी हूँ, क्रॉप टूल लेके मैं अपने इमेज को क्रॉप कर लूँगी और इस तरह ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। होप कि ये प्यारी सी वीडियो आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी, इसलिए क्योंकि ये बहुत आसान है। इसे एक बार फोटोशॉप में ट्राई करें और आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।